देखने वाले तमाम नाजरीन को मेरी तरफ से प्यार भरा सलाम। दोस्तों फाइनली द वेट इज ओवर एंड कल यानी कि 29 मई को आमिर खान प्रोडक्शंस रिलीज कर रहा अपना मच अवेटेड ट्रेलर जिसका नाम है लाल सिंह चड्ढा। आई एम श्योर आप लोगों ने देखा होगा। ट्रेलर को आगे देखने से पहले मैं आपको इसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन जरूरी समझना चाहता हूँ कि आप लोगों के पास और आप लोगों तक पहुंचाओ। ये मूवी रिमेकिंग मूवी है जो कि 1994 की सुपर हिट मूवी फॉरेस्ट गंप पे बनाई गई थी। ये जो फॉरेस्ट गंप है ना, ये विंस्टन ग्रूम ने स्टोरी लिखी है और इसके जो रीमेकिंग राइट्स हैं आमिर खान ने 2018 में ले ली है विद हेल्प ऑफ राधिका चौधरी जो एक लॉस एंजल्स बेस्ड डायरेक्टर और प्रोड्यूसर है। मुझे क्या क्या चीज़ अच्छा लगा इस ट्रेलर के रिलेटेड और मुझे क्या क्या चीज़ अच्छा नहीं लगा इस ट्रेलर के रिलेटेड, मैं आगे बढ़ूंगा और इस ट्रेलर को ज़रूर देखूंगा और आप सबके साथ देखूंगा। आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि ये ट्रेलर रिलीज हो गया 29 मई शाम को 8 बजे के अराउंड और इस वक्त है 2.6 करोड़ व्यूज वाईकॉम 18 के यू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे रिलीज हो गया एंड 2.6 करोड़ व्यूज इसने क्रॉस किए हैं। वाइस अ फैंटास्टिक मूवी एंड मच अवेटेड ट्रेलर। विल गो वन विल डू वन थिंग ओनली वॉच दिस ट्रेलर राइट अवे। आप कहीं नहीं जाना। आई विल गिव माय फर्स्ट रिएक्शन ऑन दिस। आमिर खान प्रोडक्शंस वाओ। सो दिस स्टार्ट्स विद द फेदर जो कि फॉरेस्ट गंप की मूवी है। वाओ आमिर खान लुक्स टिपिकल पंजाबी यहाँ पे। हमको क्या हुआ? कुछ उसकी मूछे से लेके कड़ा तक। ओके यहाँ पे एक इमोशनल बॉय इमोशनल स्टोरी एक छोटे से बॉय से स्टार्ट हो रही है। क्या? नहीं जी। छोटा लाल। हाँ आपका बच्चा ब्यूटीफुल। कुछ बच्चे होते हैं बहुत इंटेलिजेंट, कुछ होते हैं नॉर्मल। दिस लुक्स समवट रिलेटेड टू 3 इडियट्स। आई मीन ओ वाओ मोना सिंह। वो खुद उठाएगा किसी से। मोना सिंह की कॉम्बिनेशन आमिर खान के साथ जबरदस्त मैच होती है। हमेशा याद रखिए। वाव यहाँ पे तो कॉम्बिनेशन मोना सिंह और छोटे लाल सिंह की जरूरत है। विश्वास नहीं करते पर जिंदगी में चमत्कार होते हैं जी। हाँ भाई साहब आमिर खान का जो एक्सेंट है ना पंजाबी दैट इज जबरदस्त। और यहाँ पे आमिर खान दौड़ रहा है, पहले स्ट्रगल कर रहा है फिर दौड़ रहा है। दिस इज मैजिकल। इज ही जॉइनिंग इंडियन आर्मी? यस। ओके यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ आगे की जो ओरिजिनल मूवी है फॉरेस्ट गंप वहाँ पे जो उनके एक्टर्स है वो ज्वाइन कर रहे थे वो अमेरिकन आर्मी एंड दे आर फाइटिंग वॉर अगेंस्ट वियतनाम। यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आमिर खान प्रोडक्शंस का क्या सीन रहता है। मैंने नहीं पता कितने लिखिया है सब। okay. किसने लिखिया है और क्यों लिखिया है। करीना कपूर खान एंड फाइनली आमिर खान इज अगेन टुगेदर। इट इज अ व्याह करी तो मुझे बहुत अच्छे लगते हो लाल, लेकिन हमारा कुछ नहीं हो सकता। Releasing on 11th August. Oh my God, this is one of the powerful shots. यहाँ पे similar shot create किया गया जो Forrest Gump में था. Okay. Okay, this is full of emotions. And यहाँ पे क्या हो रहा है? This is ओके सो यहाँ पे मैं आगे क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि आमिर खान प्रोडक्शंस ने यहाँ पे करगिल वार दिखाया है। वहाँ पे ओरिजिनल मूवी में तो दे आर फाइटिंग अगेंस्ट वियतनाम एंड दैट्स अ वियतनाम वॉर दे आर ग्लोरीफाइंग। यहाँ पे दे आर ग्लोरीफाइंग करगिल वॉर। यहाँ पे मैं एक ही चीज़ क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि दे कुड हैव शोन अ डिफरेंट कंट्री फाइटिंग वॉर और वेजिंग अ वॉर अगेंस्ट अ डिफरेंट नेबरिंग कंट्री बट दे आर आई थिंक इन्होंने एक ही पर्टिकुलर कम्युनिटी को यहाँ पे हाईलाइट किया और टारगेट किया। एनीवेज और ट्रेलर को आगे बढ़ाते हैं। वाओ मेरी मम्मी कहती थी कि जिंदगी गोलगप्पे जैसी होती है, पेट पले ही भर जावे मन नहीं भरता। अच्छा जिंदगी इज लाइक अ गोलगप्पे। यहाँ पे आमिर खान ने एक जबरदस्त डायलॉग बोला कि जिंदगी इज लाइक इसकी मम्मी बोला करती है जिंदगी इज लाइक अ गोलगप्पा, पेट भरता है पर मन नहीं भरता है। सो यस लाल सिंह चड्ढा का यहाँ पे लोगो आ गया डायरेक्टेड बाय अद्वैत चंदन। ओके सो ये था आमिर खान प्रोडक्शंस का मच अवेटेड ट्रेलर। मुझे दो तीन चीज़ अच्छी लगी मैं आपको बताना चाहता हूँ। मोना सिंह और आमिर खान की
कॉम्बिनेशन अच्छी लगी मुझे, करीना कपूर खान और आमिर खान की अगेन कॉम्बिनेशन अच्छी लगी, और मुझे छोटा जो लाल सिंह है उसकी कॉम्बिनेशन अच्छी लगी। इट वॉज फुल ऑफ इमोशंस, फुल ऑफ ड्रामा एंड फुल ऑफ एंटरटेनमेंट एज वेल। सो एक ही चीज़ मुझे इसकी नेगेटिव चीज़ लगी है कि दे आर वेजिंग वॉर अगेंस्ट करगिल, और इन्होंने एक कम्युनिटी को यहाँ पे हाईलाइट, ग्लोरीफाई और टारगेट किया है। रेस्ट द ट्रेलर इज एब्सोल्युटली नाइस। आई एम नॉट श्योर इसकी जो बजट है 180 करोड़ पे ये मूवी एंटायर मूवी बनाई गई थी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं, अगर आपने इस ट्रेलर को अभी तक नहीं देखा, दिस इज अवेलेबल ऑन वायाकॉम 18 स्टूडियोज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। इट हैज़ ऑलरेडी क्रॉस 2.6 करोर्स कल से अभी तक। अगर आप इस मूवी को देख रहे हैं इन फ्यूचर, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और हाँ, अपना ख्याल रखेगा, आसपास लोगों का भी ख्याल रखेगा, और आप मुझे अपने दुआओं में याद रखें। अल्लाह। सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।